नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं मेष राशि के सभी दर्शकों का। मेष राशि 15 से 22 फरवरी 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, इस वीडियो में हम जानेंगे और बात करेंगे आपकी नौकरी की, व्यापार की, शिक्षा की, आपके वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, देश विदेश की यात्रा, घर परिवार और सेहत के बारे में। आपकी छोटी छोटी जो भी जीवन से जुड़ी बातें हैं वो भी जानेंगे, उन सब पर विचार करेंगे और यह जानकारी चंद्र राशि लग्न राशि पर आधारित होगी और हम इस वीडियो में कुछ उपाय भी बताएंगे, साथ ही साथ भाग्य प्रतिशत, शुभ अंक और शुभ रंग भी बताएंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। शुभारंभ करें उससे पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले निशान के बटन को जरूर दबा दें। शुरुआत करते हैं, 15 तारीख से चंद्रमा तुला राशि में होंगे सप्तम भाव में। आइए जानते हैं क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपके जीवन पर। अविवाहित लोगों के लिए यह दिन शानदार रहेगा, प्रेमी प्रेमिका से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। अविवाहित लोगों के लिए रिश्ते वगैरह आ सकते हैं, उनकी कहीं पर बात बन सकती है। व्यावसायिक साझेदारी के लिए यह समय बढ़िया रहने वाला है। आज आप कुछ अधिक रोमांटिक हो सकते हैं। विवादित मामलों में आपको विजय प्राप्त होगी। ससुराल की तरफ से धन प्राप्ति के योग है। आप नौकरी व्यापार में बढ़िया धन व नाम कमाने में सफल होंगे। आपकी संतान से आपको कोई शिकायत नहीं होगी, आपकी संतान बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेगी और लेकिन संतान को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन पढ़ाई लिखाई हो जाएगी। आपको एक जगह पर बैठकर काम करने की आदत डालनी होगी। आज आपको इधर उधर घूमकर अपने समय को बर्बाद ना करें, आप अपनी नौकरी व्यापार में कुछ अच्छा कर सकते हैं इस उम्मीद से जाएं और कुछ अच्छा करके ही वापस लौटें। आपके सीनियर बॉस, आपके जो भी लोग हैं वो आपको स्नेह करेंगे, प्यार करेंगे, आपका उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा और उनके साथ आपका तालमेल भी बढ़िया रहेगा। परिवार के लिए भी यह दिन शानदार रहेगा। आप काम और परिवार और बच्चों के बीच में और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच में अच्छा समय बिता पाएंगे। अब बात करते हैं 16 और 17 फरवरी की, चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे अष्टम भाव में। जानते हैं क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपके जीवन के ऊपर। वाहन की गति और जुबान की गति पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आपके बोले गए गलत शब्द आपका बड़ा नुकसान करवा सकते हैं इस समय काल में। किसी भी प्रकार का धन निवेश ना करें या करें तो बहुत ही सावधानी से करें। वैवाहिक जीवन प्रेम संबंधों के लिए सामान्य रहेगा। समय आपके चेहरे पर उदासी और शरीर में आलस की वजह से आपकी परफॉर्मेंस वीक होती हुई दिखाई पड़ रही है। शेयर मार्केट में पैसा बहुत सूझबूझ कर लगाएं, अगर लगाया सूझबूझ करके तो लाभ हो सकता है। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में सोच रहे हैं या पहले से इन्वॉल्व हैं तो इन सब बातों का भंडाफोड़ हो सकता है और आप परेशान हो सकते हैं। किन्हीं कारणों से आपका मन दुखी होगा, दिमाग दुखी होगा, आप एकांत प्रिय होंगे। आज आपको लोगों के बीच में उठना बैठना कम पसंद आएगा। संभल कर चलें, सादा भोजन करें, मांसाहार से दूर रहें और कोई भी ऐसा काम ना करें जो नियम के विरुद्ध है या फिर छल कपट वाला कोई काम ना करें। ना रिश्तों में छल कपट करें, ना ही किसी के साथ पैसा कमाने में छल कपट करें तो बढ़िया रहेगा। आज आप ईश्वर की भक्ति करें, सादा भोजन करें, योग प्राणायाम करें, आपके लिए ये सच्चे मित्र होंगे। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब रहेगी, परिवार में कलह का माहौल रह सकता है लेकिन थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपके पैरों में आज कोई समस्या हो सकती है, दर्द हो सकता है, चोट लग सकती है, मोश आ सकती है या घुटनों वगैरह का दर्द है तो तकलीफ बढ़ सकती है। अब बात करते हैं 18, 19 और 20 तारीख दोपहर 2 बजे तक के समय की, चंद्रमा धनु राशि में होंगे। केतु के साथ ग्रहण दोष हुआ, गुरु के साथ गज के ऋषि योग का निर्माण होगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं तो इन दो दिनों का लाभ उठाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। आप नौकरी व्यापार में बढ़िया प्रदर्शन करके अपना नाम और काम काफी ऊंचा कर सकते हैं। आज प्रेमी प्रेमिका को मिलने का अवसर प्राप्त होगा। आज आप लोग रोमांटिक हो सकते हैं, फोन पर बात हो सकती है या अगर आप लोग एक शहर में नहीं रहते, दूसरे शहर में रहते हैं, देश विदेश में रहते हैं तो आज आप लोग मिल सकते हैं या फोन पर या वीडियो चैट के थ्रू अच्छी बात हो सकती है जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। जीवन साथी से झगड़ा या वाद विवाद बिल्कुल ना करें और आपको जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। जीवन साथी से आज आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, उनकी सलाह से कोई बढ़िया काम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो आपको उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। छोटी मोटी मानसिक चिंताएं हो सकती हैं और 19 तारीख को आप उम्मीद से ज़्यादा धन कमाएंगे। आपकी मेहनत जो है वो भरपूर आपको साथ देगी और आपकी संतान भी तरक्की करेगी और व्यवसायियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया रहेगा। 20 तारीख को वैवाहिक जीवन में मधुरता फिर से वापस आ जाएगी, आप लोग एक दूसरे को समझेंगे, हो सकता है जो गलतियां की होंगी उसके लिए सॉरी वगैरह भी बोल दें। यह 3 दिन सावधानी के साथ बहुत कुछ आपको दे सकते हैं, थोड़ी सावधानी और बहुत कुछ फायदा आपको हो सकता है हर एक क्षेत्र में। अब बात करते हैं 20 तारीख दोपहर 2 बजे के बाद का समय, 21 और 22 तारीख की चंद्रमा मकर राशि में होंगे। शनि चंद्रमा का विष दोष भी बनेगा यहाँ पर।
आपको अपनी वाणी में बहुत संतुलन बनाकर रखना होगा। आपको नौकरी व्यापार में बिल्कुल भी गलतियां नहीं करनी है, किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना है, किसी को भी कोई उल्टे सीधे शब्द नहीं बोलने हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, वाद विवाद नहीं करना है। आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर उल्टा सीधा बनाकर बताया जा सकता है, जिससे आपकी छवि खराब हो सकती है। आपको विष दोष के कारण यह समय कन्फ्यूजन में मिल सकता है, करें कि ना करें, आप करें कि मैं करूँगा, आप में वक्त निकल जाएगा और हाथ खुश नहीं आएगा, तो कामों में देरी हो सकती है। आपकी माता जी का आशीर्वाद आपके लिए बहुत काम का होगा, उनका आशीर्वाद आपके बिगड़े काम बना देगा। आज के दिन मेहनत से बिल्कुल भी जी ना चुराए। 22 तारीख को आपको बढ़िया परिणाम मिलेंगे, आपके लिए यह समय निश्चित रूप से बड़ा कमाल का होगा। आप अपने फैसलों पर अडिग होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, कॉन्फिडेंस बढ़िया होगा, महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लेंगे। घर परिवार में थोड़ा कलह हो सकता है, लेकिन जो भी कुछ बुरा होगा वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में संभल कर रहे और अनावश्यक विवादों से खुद को बचाएं तो बेहतर है। भाग्य प्रतिशत रहेगा 52%। 7 नंबर आपके लिए शुभ है। इस सप्ताह में चमकीला सिल्वर कलर आपके लिए बढ़िया है। उपाय क्या करना है, शिव जी को प्रसन्न करना है, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना है और आपको गायत्री मंत्र का पाठ करना है। आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी और आप शानदार इस सप्ताह को बिता पाएंगे। और आपके लिए एक विशेष सूचना है जो आपको वीडियो में दी गई है, आप उसको देखें। और यदि आप महाशिवरात्रि में शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो जिस तरीके से आपको बताया गया है, इस वीडियो के बाद वो आपको देखने को मिल जाएगा। आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। इसके अलावा अपनी राशि का रक्षा कवच भी प्राप्त कर सकते हैं। आप दिए गए नंबरों पर फोन करके, व्हाट्सएप करके और अपनी कुंडली की विवेचना करानी है तो भी आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और जानें आपके भविष्य में ईश्वर ने क्या लिख के दिया है और आप आगे कैसे बढ़कर दुनिया पर राज कर सकते हैं। हरिओम नमस्कार। 21 फरवरी 2020 महाशिवरात्रि, भगवान शिव को प्रसन्न करने की वो रात जिस दिन शिव भक्त शिव के नारों से शिव की बम भोले जय शिव शंकर के नाम से ऊंचे ऊंचे स्वरों में शिव को प्रसन्न करते हैं, आवाज लगाते हैं, जलाभिषेक होता है, दूधाभिषेक होता है, बेलपत्र चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, धूप दीप से शिव की आराधना करते हैं, नृत्य करते हैं, डमरू की आवाज में एक मधुर ध्वनि का आनंद लेते हुए भक्ति में डूब जाते हैं। ऐसी शिवरात्रि की रात होती है जब शिव को प्रसन्न करके शिव से वो वरदान प्राप्त किए जा सकते हैं जो आप चाहते हैं। 21 फरवरी 2020 को मैं और मेरे साथ जो कर्म कांड के ज्ञाता मंत्र उच्चारण करने में जिनको महारत हासिल है वो सिद्ध करेंगे 501 पंचमुखी रुद्राक्ष। पंचमुखी रुद्राक्ष ये पंच ब्रह्मा का स्वरूप है, शिव को अति प्रिय है, पंच तत्वों का प्रतीक, दुख दरिद्रता नाशक, स्वास्थ्य वर्धक, आयु वर्धक, सर्व कल्याणकारी, शिक्षा देने वाला, मंगल फलदाता, पुण्यदाता, किए गए अनेक बुरे कर्मों से मुक्ति दिलाने वाला, अभीष्ट सिद्धियों को देने वाला शिव का प्रिय पंचमुखी रुद्राक्ष, जिसको हम ओम नमः शिवाय के मंत्रों से और महामृत्युंजय मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित करेंगे, ये जीवन में आपके कोई कष्ट नहीं आने देगा यदि आप इसको धारण करते हैं या फिर अपने घर में स्थापित करके इसकी विधिवत पूजा करते हैं। गंगा स्नान का फल आप इसको पहनकर प्रतिदिन प्राप्त कर सकते हैं। महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, इसको धारण करके अनेक प्रकार की जो विपरीत शक्तियां होती हैं, चाहे वो नजर हो, चाहे वो बाधा हो, पारिवारिक कलेश हो, चाहे किसी भी प्रकार का दुख हो, चाहे पति पत्नी के बीच में संबंध ठीक ना हो, वैवाहिक जीवन में तनाव हो या मित्रता में तनाव हो, व्यापार ठीक से ना चल रहा हो, नौकरी में दिक्कतें चल रही हो, नौकरी मिल ना रही हो, सेहत में खराबी हो, दिन प्रतिदिन दुख दर्द बढ़ते जा रहे हो, तो इस शिवरात्रि जो रुद्राक्ष हम अभिमंत्रित करेंगे इसको धारण कर लेने मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि ईश्वर की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से आना तय है। तो
आप सभी भक्त जो शिव को मानते हैं, जो शिव में आस्था और विश्वास रखते हैं, वो अभिमंत्रित नेपाली पंचमुखी रुद्राक्ष को प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। फिर से आपको बता दूं, ये सिर्फ 501 रुद्राक्ष हम इस बार अभिमंत्रित कर रहे हैं, और 501 रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करने के बाद जो भी लोग इसको चाहेंगे वो लोग व्हाट्सएप करें, RUD501 लिखें, RUD501, और दिए गए नंबर पर इसको मैसेज कर दें। उसके बाद हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी और ध्यान से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, किस प्रकार से आपको प्राप्त होगा, बहुत कम मूल्यों में ही आपको प्राप्त होगा, और इसके साथ साथ आपको प्रसाद और महामृत्युंजय कवच भी फ्री में दिया जाएगा, जिसको आप अपने घर पर धारण कर सकते हैं और अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। यह रुद्राक्ष गले में धारण किया जा सकता है, घर के मंदिर में रखा जा सकता है, कार्य क्षेत्र में रखा जा सकता है, और सभी बड़े बूढ़े बच्चे किसी भी उम्र के हों इसको धारण करके शिव की कृपा को पा सकते हैं। आपके जीवन में जो भी तकलीफें हैं वो दूर करेगा यह पंचमुखी रुद्राक्ष। तो 21 फरवरी 2020 को 501 रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके आप तक पहुंचाने का जो हमारा प्रयास है, इसको सफल बनाइए। और यदि आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर से कहूंगा, RUD501 लिखकर व्हाट्सएप कर दें दिए गए नंबर पर, ताकि आपको सारी जानकारी हमारी टीम शेयर कर सके। तो आप सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं, शिव भक्तों को शिव की कृपा प्रदान हो, और आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, और हम आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर करते रहेंगे ईश्वर की कृपा से। हरिओम, नमस्कार।